स्वागत है गाइज हमारे एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों इस फोटो में मैं आपको कुछ ही ठहर के ब्रोकन फोटो बताऊंगा जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खाट दिख रहा है। दोस्तों देख सकते हो आप, मेरे शरीर से एक लड़के निकले जो कि आग से लपटी है। दोस्तों देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फोटो हाथ दिख रहा है। तो आप भी इस टाइप का फोटो बना सकते हो, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं इस फोटो को आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो फोटो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फोटो भी शूट हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो इस फोटो को शेयर करूंगा लाइटरूम में और इस पर प्रीसेट यूज करूंगा। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ कैसे मैं यूज करता हूँ प्रीसेट। तो ये मैंने डायरेक्ट लाइटरूम में शेयर किया फोटो को और अपने लाइटरूम को ओपन किया। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लाइटरूम को ओपन किया और यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों ये देखिए, ये मेरा फोटो आ चुका है और मैं आपको फोटो को दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं ये वाला प्रीसेट को यूज करूँगा उस पर, ये वाला, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से ये तीनों को मैंने सिलेक्ट किया और फिर से यहाँ पर दोस्तों थ्री डॉट पे जाकर ये देख सकते हो, और नीचे पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन है ये वाला, इसको हम टच कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा प्रीसेट यूज हो जाती है। और इतना होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस फोटो को सेव कर लेंगे। तो थ्री डॉट पे टिप के यहाँ से दोस्तों, सॉरी, शेयर वाले टिप के बटन पे टिप के यहाँ से फोटो सेव हो जाएगी। और सेव होने के बाद दोस्तों हमको अपना स्नैपशीट को ओपन करना है। और स्नैपशीट को दोस्तों सबसे पहले तो मैं फ़ोटो को दिखाता हूँ आपको, हमारा फ़ोटो कैसा हुआ है। तो यहाँ से मैंने अपने गैलरी को खोला, फोटो देख सकते हो, फोटो काफ़ी लाजवाब हुआ है। तो फोटो को स्नैपशीट में लेकर चलते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इस पर टिप के दोस्तों, यहाँ सर इससे दोस्तों हमको लाइट देना है पूरे चेहरे पर और अपने जो शरीर पर। तो ऐसे हमको करना है कुछ इस टाइप से, और इसको बढ़ाना है और सिचुएशन को थोड़ा सा हाई करना है। आपको हर जगह कर लेना है, जहाँ जहाँ आपका जो शरीर है वहाँ अंधेरा होगा, जहाँ पर ब्राइटनेस कम होगा वहाँ पर आप ये ट्राई कर सकते हो। देख सकते हो ये दोस्तों, सेंसिटिविटी बढ़ाने से दोस्तों देख सकते हो हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा लाइट आ चुकी है। तो देख सकते हो फोटो काफ़ी तक कमाल की दिखने लगी है। पहले तो ब्लैक था और अभी वाइट दिख रहा है। तो इससे दोस्तों स्मूथ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो इसके बाद देख सकते हो, इतना करने के बाद यहाँ पर भी लाइट कम है तो यहाँ पर भी लाइट बढ़ाते हैं, और पैर पर भी कम है तो यहाँ पर भी बढ़ाते हैं। और फिर से मैंने यहाँ पर जो ब्लैक है वहाँ पर मैं थोड़ा सा लाल करता हूँ और ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। देख सकते हो इतना दोस्तों होने के बाद फिर से हम यहाँ थोड़ी सी सरपेनी को हाई कर लेंगे और उसके बाद इस फोटो को सेव कर लेंगे। फोटो हमारा सेव हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस फोटो का कटआउट करेंगे। तो कटआउट करने के दोस्तों आपको फोटो रूम की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ से दोस्तों मैंने अपने फ़ोटो को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद हमारा फोटो क्या होता है कि ऑटोमेटिक कटआउट हो जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख तो यहाँ पर हमारा फोटो ऑटोमेटिक कटआउट हो गया दोस्तों, ये देखिए ये कटआउट हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो तीन नंबर वाला है, इसको आपको यहाँ से दोस्तों क्या करना है कि सेव कर लेना है, ये देखिए। और ये सेव करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि अपना पिकट को ओपन करना है। और यहाँ से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में कुछ सेटिंग कर लेंगे तो मैं आपको बता दूँगा दोस्तों। और ये मेरा बैकग्राउंड मिल रहा है, तो बैकग्राउंड मैं ढूंढ रहा हूँ। और हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर दोस्तों थोड़ा नीचे है, तो ये मिल गया हमारा बैकग्राउंड। और इस बैकग्राउंड को सबसे पहले तो मैं क्रॉप करूँगा पोस्ट पर, आप ऐसे क्रॉप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों टूल्स पे जाकर क्या करना है कि आपको इसका सिचुएशन थोड़ा सा कम करना है, और ये जो पावर का चीन है उसको आपको कम कर देना है, ये देख सकते हो। इतना करने के बाद आपको फ़ोटो को ऐड करना है, और फोटो को ऐड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से ऐड करना है। देख सकते हो मैंने फ़ोटो कुछ इस टाइप से ऐड किया, और नीचे का फोटो रूम का जो लोगो है उसको तो आपको सबसे पहले मिटा देना है, हटा देना है। और इसके बाद दोस्तों आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और लड़की को आपको ऐड करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने लड़की को कैसे ऐड किया। तो ये लड़की हो गई, तो इसको सबसे पहले यहाँ से हमको जो फ्लिप का ऑप्शन है देख लो, यहाँ से दोस्तों इसको घुमा देना है इस वाले पर करके, देख सकते हो। इसके बाद इसको बड़ा करना है, और आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ब्लेंड पे जाना है। तो फोटो पर टच करूँगा, और यहाँ से मैंने ब्लेंड पर गया और स्क्रीन पर कर दिया, तो फोटो हमारा कुछ इस टाइप से हो गया।
देख सकते हो हमारा फोटो कुछ इस टाइप से हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और ये जो हमारा फेस के ऊपर है इसको थोड़ा सा मिटा देंगे। देख सकते हो हमने मिटा दिया उसे और अब हमारा फोटो काफ़ी ज़्यादा कमाल के दिख रहा है। तो इसके बाद हम इस फोटो को कर लेते हैं सेव। देख सकते हो मैंने फ़ोटो को सेव किया और फ़ोटो को सेव करने के बाद दोस्तों मैं अपने गैलरी को ओपन करता हूँ तो आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। उससे पहले ये देखिए मेरा फ़ोटो, हम इस फोटो को अब शेयर करेंगे दोस्तों ऑटोडेस्क में स्मूथ के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने किस टाइप से स्मूथ किया, तो देख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि मैं बताता हूँ कौन सा पेंसिल आपको लेना है और साइज क्या रहना चाहिए। आपको ये वाला पेंसिल लेना है देख सकते हो, और ये वाला पेंसिल लेने के बाद आपका क्या, ये वाला पेंसिल ठीक है, ये मैंने पेंसिल लिया। और सेटिंग आपको बताता हूँ आपका ये रहना चाहिए सेटिंग, ऊपर का नीचे का 4 और नीचे और नीचे का 12। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने चेहरे को जूम करना है और जूम करने के बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको उस पर ब्रश को रगड़ना है। तो इस टाइप से आपका फ़ोटो स्मूथ होगा। अब देख तो फोटो हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से स्मूथ हो रहा है, तो आप ही ऐसे गोल गोल करके ट्राई करिएगा, फ़ोटो इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। तो इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ और नीचे अपनी गर्दन को भी देख सकते हो, अपने गर्दन का स्मूथ करना है एकदम अच्छी तरह से। तो इसके लिए दोस्तों हमको साइज को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और गर्दन को एकदम अच्छी तरह से स्मूथ करना होगा। तो वीडियो को देखते रहिए और जब तक स्मूथ रहे तब तक आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देख सकते हो गर्दन भी स्मूथ हो चुका है। तो इसके बाद हमको ये वाला जो हाथ है उसका स्मूथ करेंगे, तो साइज को बढ़ाएंगे और साइज बढ़ाने को दोस्तों हाथों पर ऐसे रगड़ना है। आपको इस पर आपको गोल गोल नहीं करना है दोस्तों। आप देख सकते हो मैंने किस टाइप से एकदम सीधे से स्मूथ कर रहा हूँ, आपको सेम वैसा ही स्मूथ करना है जैसा मैं कर रहा हूँ दोस्तों। इतना करने का साइज को नीचे यहाँ पर छोटा करेंगे और अपने उंगलियों को एकदम अच्छी तरह से स्मूथ कर देंगे। देख सकते हो उंगली हमारा स्मूथ हो गया। उसके बाद जो हमारा पेट है इसको हम एकदम अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे दोस्तों। देख सकते हो स्मूथ काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो रही है। तो आप भी इस टाइप का स्मूथ करिएगा, फ़ोटो आपका एकदम कमाल की दिखेगी। तो देख सकते हो पेट भी स्मूथ हो चुका है दोस्तों, थोड़ा सा बचा है तो इसको भी मैं एकदम अच्छी तरह से स्मूथ कर लेता हूँ। और इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ख़राब हुआ है तो इसको मैं एकदम अच्छी तरह से मिलाता हूँ। इसके बाद पैरों पर जूम करना है दोस्तों, तो चलिए पैर को भी स्मूथ करते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको पैरों का थोड़ा थोड़ा बस आपको स्मूथ करना होगा कुछ इस टाइप से। देख सकते हो इतना होने के बाद दोस्तों आप क्या करना है कि इस फोटो को सेव करना है। और यहाँ से मैंने अपने फ़ोटो को सेव किया और देख सकते हो यहाँ से मैंने फ़ोटो को सेव करने के बाद दोस्तों मैं अपने गैलरी को ओपन करूँगा। तो गैलरी को ओपन करने के बाद क्या करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मैंने अपने गैलरी को ओपन किया और हमारा फ़ोटो आ चुका है स्मूथ वाला। तो इसको हम सबसे पहले तो लाइट रूम में ले जाएंगे लाइटिंग मिलाने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं लाइटिंग कैसे मिलाता हूँ। एक ही बार में दोस्तों आप लाइटिंग मिला सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने अपने लाइट रूम को ओपन किया और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो फोटो आ चुका है दोस्तों। इसमें आपको लाइट एडजस्ट कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर क्या करूँगा कि एक प्रीसेट दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे कि यूज करके एक ही बार में बना सकते हो। तो ये देखिए ये मेरा फ़ोटो हो गया दोस्तों। हम इस प्रीसेट को कॉपी करेंगे यहाँ से 3 डॉट पर जाकर, और यहाँ से दोस्तों आपको कॉपी करना है ये वाला सेटिंग देख रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सेटिंग आपको कॉपी करना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये जो तीनों आपको सेलेक्ट करना है और ऊपर से आपको सही करना है ठीक है ये तीनों। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोटो पर जाना है, देख सकते हो ये मेरा फ़ोटो हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 डॉट पे जाकर आपको नीचे में जो फेस्ट सेटिंग का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से दोस्तों आपका फ़ोटो एक ही बार में बन जाता है दोस्तों। देख सकते हो फोटो हमारा पहले कैसे था और अब हमारा फ़ोटो कैसे हुआ है। देख सकते हो फोटो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हुए। इसके बाद दोस्तों देख रहे हो फोटो बन चुका है हमारा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस टाइप का ब्रोकन फोटो बना सके।